येस होरब इज वेरी एक्साइटेड फॉर हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और कल होरब की वेलकम पार्टी है मम आई इज ऑल्सो एक्साइटेड फॉर हूरब कमान ना गो टू बेट गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स असलम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे आज बच्चों के स्कूल का पहला दिन था हुरब का तो है ही पहला दिन आ, स्कूल पहली मरतबा जाएगी वो और अभी आप लोगों ने जो क्लिप देखा है वो एक रात पहले का था और अभी मैं यहां पे आ चुकी थी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ता एज़ यूजल वहीं ब्रेड वाला ही चलेगा लाइट नाश्ता और मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी फ्रेंच टोस्ट और आज सुबह सुबह जो है वो बस देखें क्या हो गया अम्म अंडे उठाते हुए जो है ना वो नीचे गिर गए क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं तीन अंडे उठा रही थी दो भी नहीं एक हाथ में अब तीन अंडे थोड़ी आते हो फिर ऐसा ही होना था देखें नीचे गिर गए तो खैर बस इसको साफ किया फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी सुबह सुबह अगर अंडे गिर जाए ना तो बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है और फिर उसको सारा क्लीन अप करना अच्छा अभी तो मैं सिंपल फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ लेकिन अपनी पिछली किसी वीडियो में मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे चीज़ के साथ तो वो बहुत मज़े के बनते हैं लेकिन मैं उस वीडियो में आप लोगों को रेसिपी नहीं बता सकी क्योंकि उसके ऊपर वॉइस ओवर कोई और चल रहा था तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी अगर आप फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप चीज़ की फिलिंग करते हैं हैं या चीज़ का एक स्लाइस रख देते हैं दो ब्रेड के बीच में और फिर उसके बाद आप एग में उसको डिप करके आ, कुक करें तो बहुत मज़े के बनते हैं वैसे तो चॉकलेट के साथ भी आप इस तरह कर सकते हैं लेकिन वो फिर ज़्यादा स्वीट हो जाता है अगर आप न्यूटेला लगा के फिर उसके फ्रेंच टोस्ट बनाए तो बेहतर यह है कि चीज़ के साथ आप उसको ट्राई करें बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है ये और हुरब का मैं अलग से नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि वो मुझे रात को कह के सोई थी कि मैंने पापा का फेवरेट नाश्ता करना है और उसके पापा का फेवरेट नाश्ता जो है वो हाफ़ फ्राई है तो उसके लिए मैंने हाफ फ्राई एग बना लिया था और बड़े बच्चों को फ्रेंच टोस्ट और साथ में मिल्क दे दिया था सोचा था फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आप लोगों के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूँगी लेकिन आजकल थोड़ा सा चैनल की प्रोग्रेस स्लो है तो इसलिए फिर दिल नहीं करता क्योंकि जब आप इतनी एफर्ट और इतना मेहनत कर रहे हों आगे से आउटपुट ना मिले तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है Come on, get ready. Hello. This is your first day of school. Come on, और लंच में मैं हुरब को नगेट्स दे रही हूँ नगेट्स जो है वो बच्चों के लिए खाना आसान होते हैं और वैसे भी आज पहला दिन है तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी रूटीन बनती जाएगी तो उससे मैं लंच में वैरायटी दूंगी फ्रूट्स ऐड करने की कोशिश करूंगी और देखती हूँ रिस्पांस क्या देती है क्या चीज़ खा के आती है क्या छोड़ के आती है और अभी मैं इसके बाल बना रही थी और मैं हेयर स्टाइल सीखने में और बनाने में लेज़ी हूँ बस जो सिंपल से मुझे आते हैं मैं वहीं जो है वो अक्सर बना के रखती हूँ और अच्छा बाकी बच्चे तो स्कूल जा रहे थे लेकिन मीरभ ने स्कूल अभी नहीं जाना था क्योंकि अभी उसकी क्लासेस कुछ तीन चार दिन जो है वो लेट थी तो वो उदास हुई हुई थी कि सभी स्कूल जा रहे हैं मैं नहीं जा रही हूं और जब बच्चों का आ, स्कूल का फर्स्ट डे होता है तो मैं बच्चों के साथ स्कूल जरूर जाती हूँ और वैसे तो हमने बच्चों को भेजना बस में होता है लेकिन हम पीछे पीछे उनके जरूर जाते हैं क्योंकि अगर आप उनको खुद लेके जाते हो ना तो हो सकता है छोटा बच्चा अगले दिन आपको तंग करे कि मुझे आज भी आप लेके जाओ तो इसलिए हम पहले दिन भेजते बच्चे को बस में है लेकिन पीछे खुद जरूर जाते हैं और अभी मैं यहाँ पे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ साथ में मेरे मीरभ ने भी स्कूल जाना था और हुआ ये कि जब हमने हुरब को बस में बिठाया तो बस उस वक्त ख़ाली थी उसमें मज़ीद बच्चे नहीं थे आ, सिर्फ बस मॉनिटर थी और साथ में हुरब थी तो उसको अकेले भेजते हुए हमारे दिल को कुछ हो रहा था क्योंकि पहले तो ये प्लान था ना कि मीरभ हुरब एक साथ स्कूल जाएंगी लेकिन उसकी क्लासेस कुछ लेट थी तो इसीलिए सिर्फ हुरब को बस में जाना था और मीरब को मैं वैसे ही लेके जा रही थी हम दोनों जो है वो हुरप की मॉरल सपोर्ट के लिए जा रहे थे लेकिन फिर इरफान ने कहा कि मीरब आप ऐसा करें आप हुरप के साथ चली जाएं आ, तो इस तरीके से हुरभ को अच्छा लगेगा और मीरप ने बगैर कुछ कहे आराम से आराम्रभ के साथ जाके बैठ गई तो मुझे मीरप पे इतना ज़्यादा प्यार आया कि हम तो पेरेंट्स थे हम फील कर रहे थे हुरप के लिए लेकिन उसका भी दिल नहीं किया कि वो हुरप को अकेले बस में भेजे और उसकी सपोर्ट के लिए वो उसके साथ चली गई तो खैर फिर मैंने उसे कहा कि बेटे आप लोग जाओ और ममा पापा पीछे गाड़ी में आ रहे हैं और आप जैसे पहुँचोगी पीछे मैं भी पहुँच जाऊँगी तो बस अभी मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी लेकिन अभी भी मेरा किचन का एक छोटा सा काम रह गया था मुझे हस्बैंड का नाश्ता बनाना था उनको मैं गरम गरम नाश्ता देती हूँ तो इसलिए पहले मैंने नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने भी लेट जाना था तो फिर मेरे पास टाइम था मैंने सोचा कि मैं जाके तैयार हो लेती हूँ और फिर जब तैयार हुई तो सोचा कि अब आया भी पहन लेती हूँ एक ही दफ़ा फिर नीचे चली जाऊँगी और नाश्ता तो बस मैंने ब्रेड का ही बनाना था तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन अगर आप तैयार हुए हुए हों कहीं जाने से पहले अगर आप किचन में छोटा सा भी काम कर लेते हैं ना तो ऑयल की स्मेल आने लग जाती है तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों में नोट की है तो इस तरह से नहीं करना चाहिए आप तैयार हुए हुए हो ना तो किचन में नहीं आना चाहिए तो खैर मैंने मेक श्योर sure कर लिया था कि मुझसे ऑयल की स्मेल तो नहीं आ रही है क्योंकि जब आप मिल रहे होते हैं किसी से और कहीं जा रहे होते हैं तो बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आती है तो खैर मैंने यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता बनाना था और फिर उसके बाद हम लोगों ने निकलना था अभी बच्चों की बस भी नहीं आई थी तो हम उसका भी वेट कर रहे थे मैं आज कितना बातें कर रही हूँ वैसे जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बहुत बोलते हैं जबकि रियाल लाइफ में मैं इतना बातें नहीं करती हूँ बस ज़रूरत के जितना मुझे जो बोलना होता है मैं उतना ही बोलती हूँ और व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा ही है ज़रूरत से ज़्यादा मैं बात नहीं करती हूँ तो कभी मुझे इस तरह कोई स्टोरी बतानी हो ना तो वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि ए टू जी आपको सारा कुछ बताना पड़ता है तो मैं कुछ ऐसे व्लागर्स पे हैरान हो रही होती हूँ जो कि इतना सब कुछ जो है वो खुल खुल के बता रहे होते हैं पता नहीं कैसे वो कर लेते हैं ये सब कुछ तो अभी यहाँ पर बस आ चुकी थी और हुर जा रही है जी स्कूल और अभी यहाँ पे मैं और हस्बैंड भी निकल चुके हैं और मैं उदास हो रही थी और हस्बैंड मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे जब भी बच्चों का स्कूल का पहला दिन होता है ना तो मैं काफ़ी उदास रहती हूँ एक दो दिन लगते हैं फिर उसके बाद ठीक हो जाता है एक ये नेचुरल जो है वो कैफियत होती है हर माँ के साथ होती होगी तो हस्बैंड मुझे चिल करने की कोशिश कर रहे थे मुझे हंसा रहे थे और फिर कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चाय पिलाता हूँ फिर निकलते हैं आगे बच्चों के स्कूल के लिए Are you happy? Are you? और अभी मैं घर आ गई थी, स्कूल में खुश थी तो मैं रिलैक्स हो गई फिर आके मैंने घर थोड़ा सा आराम किया फिर उसके बाद दोबारा से किचन में चली गई आ, कुछ मेरे और भी काम करने वाले थे और इसके अलावा बच्चों के लिए खाना भी बनाना था एक दिन पहले कड़ी बनाई थी तो आ, दूसरे दिन जो है वो राइस के साथ जरा कड़ी अच्छी लगती है तो मैंने राइस बॉयल कर लिए थे एक दिन जो कड़ी है वो नान के साथ अच्छी लगती है और दूसरे दिन जो है वो राइस के साथ आपकी चल जाती है तो इस तरीके से आपके दो दिन निकल जाते हैं और कड़ी की रेसिपी मैंने पहले शेयर की भी है कुछ लोग पूछ रहे थे तो आप चेक कर सकते हैं मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और अभी चिकन टिक्का के लिए मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बहुत ही लजीज़ टिक्का बन तैयार होगा मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है आधा पैकेट मैंने इसमें तंदूरी मसाला का ऐड किया है और इसके अलावा मैं इसमें चार पाँच अदद नीमू लेके उसका जूस ऐड करूंगी एक कप आपने योगर्ट ऐड करना है साथ ही आप इसमें वन टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन पेस्ट भी शामिल कर देंगे मैंने वीडियो में नहीं दिखाया मैं भूल गई थी ऐड करना तो आप इसको मिक्स करके चिकन ऐड करके इसको मैरिनेट कर लें आप फिर इस तरीके से पैकेट्स बना के रख सकते हैं और फिर जब आपने बनाना हो आप इसको निकालें और फौरन ही आप इसको कुक कर सकते हैं इसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये चिकन आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसके अलावा बना के रख लें आ, रही हूं और वैसे भी मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रख दिया था कि मैं उनको लंच में ये बना के दे दिया अभी मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जूसी और मसालादार चिकन लग रहा है इस तरीके से अगर आप मेरी ट करके पैकेट्स बना के रख देते हैं ना तो जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन में एबजॉर्ब हो जाता है तो फिर इस तरीके से आपका चिकन बन के तैयार होगा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको बेक करना चाहें और कोयले का स्मोक देना चाहें वो भी आप लोग कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है

बस फिर बच्चों को खाना खिलाया बच्चों का पहला दिन थोड़ा सा हैक्टिक होता है बच्चा थका हुआ होता है तो हुरब भी काफ़ी थकी हुई थी और मैं उसका भी यहाँ पे बैग चेक कर रही थी कि उसने कितना लंच किया तो उसने नगेट्स खा लिए थे लेकिन जो वेफर्स थे वो उसने नहीं खाए थे और जूस भी पी लिया था तो मैंने कहा चले कोई नहीं इतना भी ठीक है वरना बाजूकात ऐसा होता है कि बच्चा पूरा लंच बॉक्स ही वापस लेके आ जाता है तो खुशी होती है अगर बच्चा खा के आ जाए वरना फिर माँ को फ़िक्र ही लगी रहती है कि बच्चे ने पता नहीं खाया है या नहीं खाया है तो जी एक और काम जो मेरा रह गया था कबाब वाला क्योंकि कबाब भी बने होने चाहिए फ्रीज़र में और स्पेशली जैसे कि अब बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है तो बच्चों को कभी पराठे के साथ देना हो या राइस के साथ चल जाता है और इसके अलावा आप बर्गर्स भी बना के दे सकते हैं तो ये मिक्सचर मैंने एक दिन पहले बना लिया था रात में और फिर अगले दिन फिर मैंने इसके कबाब तैयार किए थे दो दिन का प्रोसीजर होता है वैसे अगर ना थकी हुई हूँ तो सेम डे में बना लेती हूँ नहीं तो फिर अगले दिन जो है वो कबाब बना लेती हूँ तो मैंने इसमें ढेर सारा धनिया पुदीना अदरक और लेमन जूस ऐड किया था कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी इस तरीके से मज़े के कबाब बन जाते हैं कबाब बना के पहले ट्रे में फ्रीज़ किए थे फिर उसके बाद बॉक्स में डाल के इसको मैंने रख दिया था काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट अब यह है कि मुश्किल नहीं होने वाली तो गाइस ये था आज का व्लॉग व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर